कि अनुच्छेद 14 में स्पष्ट लिखा है कि समान काम के लिए समान वेतनमान मिलना चाहिए। कार्य पूरा समान है, सारी कंडीशन समान है, तो हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव मध्य प्रदेश की सरकार क्यों कर रही है? और वो सरकार जिस सरकार ने सत्ता में आने से पहले हमसे वादा किया था कि यदि भाजपा की सरकार सत्ता में आई तो हम आपके साथ न्याय करेंगे और आपका शिक्षा विभाग में सम्मिलन करेंगे। तो हम इसलिए मध्य प्रदेश से संघर्ष करते करते यहाँ दिल्ली तक पहुंचे हैं कि मध्य प्रदेश की जो सरकार चल रही है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, हम बताना चाहते हैं उनके हाईकमान को कि आपकी जो सरकार शिवराज सिंह जी चला रहे हैं वो अन्यायपूर्ण तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का 3 लाख युवा अशोषित है, आपके शासन में शोषित है। पिछली बात हम छोड़ रहे हैं तो 12-13 साल से आपका शासन है मध्य प्रदेश में, और आपके बनाए हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो व्यक्ति जिसने हमसे कमिटमेंट किया कि हम अगर सत्ता में आए तो आपके साथ न्याय करेंगे, हम उस न्याय की अपेक्षा लेकर यहाँ देश की राजधानी में आए हैं, और शासन और विश्वास के साथ कि हम न्याय लेकर जाएंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। साथियों, इस बात को आप बिल्कुल छोड़ रहे हैं कि हम कौन से वर्ग में हैं, इस बात को बिल्कुल छोड़ दें कि कौन से संगठन में हैं। साथियों, मैं तो ये कहता हूँ कि हम और आप सब एक जैसे हैं, अपने ही प्रदेश में, मध्य प्रदेश में प्रदेश जैसे हैं। मुख्यमंत्री ने चाट ली है कीमत जैसी जिंदगी, इसलिए तो हम शिक्षक के अवशेष जैसे हैं, इसलिए तो हम शिक्षक के अवशेष जैसे हैं। इस अवशेष को शेष बनाना है, और इसलिए हम मध्य प्रदेश से दिल्ली आए हैं, इस बात की संकल्प लेकर आए हैं कि शोषण के विरुद्ध जो अभियान चला है उस अभियान को हम दिल्ली जाकर अंजाम तक ले जाएंगे, और इस पथ पर जो भी बाधा आएगी उस बाधा से हम टकराएंगे। शून्य काल बनकर ही अगर आया इस रण पथ पर तो हम उससे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन शोषण के विरुद्ध जो अभियान चला है उस अभियान को अंजाम तक ले जाएंगे, उस अभियान को अंजाम तक ले जाएंगे। सोचो साथी कि आखिर जितना बड़ा अन्याय हमारे साथ हो रहा है और हम क्यों सह रहे हैं? अरे इससे बढ़कर और हो सकता है क्या हादसा? इससे बढ़कर और हो सकता है क्या हादसा? अगर मूल रहकर भी जीना पड़े अनुवाद सा, अगर मूल रहकर भी जीना पड़े अनुवाद सा, इसलिए हम मूल हैं और हम अपना मूल विभाग स्कूल शिक्षा विभाग लेना चाहते हैं। और साथियों, हमने 21 वर्ष में ये अनुभव किया है कि हमारी समस्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए बढ़ती जा रही है कि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को छठवां मिल गया 2006 से, और हमारी पैदाइश भी हुई 1995 से। तो हमने ऐसा कौन सा अपराध किया था, अध्यापक ने, शिक्षा कर्मी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि जब मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारत की सरकार ने जब छठवां वेतनमान दिया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने केवल अध्यापकों को छठवां वेतनमान नहीं दिया और बाकी के सब लोगों को, स्कूल शिक्षा विभाग के लोगों को दे दिया। तो 2006 में हम थे तो 2006 में हमें छठवां वेतनमान देना थी, लेकिन नहीं दिया, पर हमने आंदोलन किया और 2013 से हमें देने की घोषणा की, लेकिन कुछ अनभिज्ञ साथियों ने, कुछ नादान साथियों ने उस चीज को लाकर 2016 कर दिया। तो मेरा निवेदन है कि पूरे अनुभव के साथ, पूरे शक्ति के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बहकाने में भी नहीं आए जो हमारी पाई हुई, हमारी अर्जित की हुई संपत्ति भी बर्बाद कर दें। उस संपत्ति को हमें संभाल कर रखना है, क्योंकि हमने जो संघर्ष किया है राज अध्यापक संघ के बैनर तले 1995 से, वो संघर्ष किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस संघर्ष में प्रत्येक उस ईमानदार क्रांतिकारी साथी की पूरी मेहनत लगी है, उसका लहू का एक एक बूंद, उसके पसीने का एक एक बूंद कह रहा है
कि अगर तुमने उसके साथ किसी भी नेता ने गद्दारी की तो वो उसको भगवान भी माफ नहीं करेगा। हमारे साथ जितने भी मुख्यमंत्रियों ने धोखा किया है वो बर्बाद हो गए, उनका परिवार बर्बाद हो गया है, और अब जो भी धोखा करेगा वो भी बर्बाद हो जाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे नेता हो। समझ लो आप इस बात को कि हम जब भी आंदोलन करते हैं हमारे आंदोलन का दमन करने के लिए, हमारे आंदोलन का दमन करने के लिए 1997 में दिग्विजय सिंह ने रोशनपुरा चौराहे पे गोली चार्ज करवाई, लाठी चार्ज कराया, हम 8 लोगों पे केस दर्ज करी ले गए और वे 8 लोग आज भी केसों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम झुके नहीं, हमारा वारंट हो गया जारी, लेकिन हम झुके नहीं, डटे हैं और डटे रहेंगे, क्योंकि जिसने मरना सीख लिया है मिलता है जग का दार उसी को, और जो कांटों के पर पर मिलता, जो कांटों के वन पर चलता मिलता है फूलों का उपहार उसी को, मिलता है फूलों का उपहार उसी को। इसलिए साथियों आपको किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है, डरे तो गिरीश दुबे जी डरे, डरे तो जगदीश यादव जी डरे, और डरे तो दर्शन सिंह चौधरी डरे, क्योंकि हम लोगों के नाम रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश शासन के पास। यदि 1995 से लेकर आज तक गिरीश द्विवेदी की नौकरी नहीं गई, आज तक जगदीश यादव की नौकरी नहीं गई, तो इस बात का प्रमाण है, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी नौकरी किसी सरकार में ताकत नहीं है कि वो छीन के बताए। ये लड़ाई देश का वो नागरिक लड़ रहा है, ये लड़ाई देश की वो युवा शक्ति लड़ रही है जिसको मालूम है कि भारत के संविधान में क्या लिखा है, जिसको मालूम है कि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था क्या है, जिसको मालूम है कि हम सरकार बनाने की ताकत रखते हैं और सरकार को धूल में मिलाने की ताकत भी रखते हैं। इस चीज को अगर आपने आंक लिया तो मैं कहता हूं कि कभी भी आपको संकोच नहीं होगा संघर्ष करने में, क्योंकि हम जो है प्रजातांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। और आप जबकि बड़े खुशी के साथ में बता रहा हूं कि हमने 2015 में अध्यापक राज अध्यापक संघ के माध्यम से हमने स्वयं रेट लगाई थी, माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है, हमने रेट लगाई थी कि मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग जिसने हमारी भर्ती के समय 95 से लेकर आज तक स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारी भर्ती के लिए पद बंटित किए हैं और उन्हीं पदों पर हमारी भर्ती हुई है, हमारी भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक सहायक शिक्षक और व्याख्याता के पद के विरुद्ध हुई है। इसलिए हमें स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान पदनाम दिया जाए और पूरा स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान वेतन मान दिया जाए, भत्ते दिए जाए और बेसारी सुविधाएं दी जाए, चाहे वो परिवार पेंशन हो, चाहे बीमा हो, चाहे ग्रेजुएटी हो, और चाहे चिकित्सा भत्ता की बात हो, और चाहे गृह भाड़ा भत्ता की बात, सारी सुविधाएं लेने का अध्यापक हकदार है। इसलिए कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन मान मिलना चाहिए, तो काम तो समान है लेकिन वेतन भत्ते समान इसलिए नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो हमारा नाम बदलकर हमारा शोषण किया जा रहा है। पहले नाम रखा शिक्षा कर्मी, उसके बाद अध्यापक और फिर संविदा आवाजी आ रहे हैं, तो नाम बदलकर हमारा शोषण किया जा रहा है। इसलिए हम मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट से निवेदन करते हैं कि सारी सेम कंडीशन है, इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार हमें निर्णय दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया और निर्णय 27 मार्च 2017 को दिया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का काम कर रहे हैं अध्यापक और उसी कंडीशन में काम कर रहे हैं जिस कंडीशन में स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं,
जो काम स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों से मध्य प्रदेश की सरकार ले रही है, इसलिए आदेशित किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान अध्यापकों को पदनाम वेतन भत्ते और सारी सुविधाएं दी जाए। तो